ट्रिपल एस का हिस्सा मैं भी हूं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद की वजह से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। दूसरा, सबसे ज्यादा जो है हम लोग के सारे सपना को साकार करने के लिए हमारे पांचों डायरेक्टर जो अभी स्क्रीन पर हैं गुरुदेव, इनका तो कहने की बात ही कुछ और नहीं है, क्योंकि आज के डेट में संपूर्ण जगत के नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टर जो है आज सेफ शॉप का कॉपी करते हैं, सेफ शॉप किसी का कॉपी नहीं करता है गुरुदेव, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। और नेक्स्ट में हमारे ये सारे अपलाइन में आते हैं गुरुदेव, जो सबसे पहले राजीव चतुर्वेदी सर हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संजय जैन सर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा गुरुदेव जो है सामने, आप चौथे नंबर पे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी श्रेणी में जब भी आपका फोटो देखता था तो मेरा भी नाम नवज्योति वत्स था, नौ अक्षर से नाम था, आपका भी नाम नौ अक्षर से था। तो हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आचार्य थे, तो बराबर जो है ये तुक मिलाते थे, जो हमारे राशि के व्यक्ति कोई है सेफ शॉप में सफल की नहीं है, जो जिस ज्ञान को सिखा रहता है उसको ज्यादा जो एनालाइज वगैरह जो करते रहता है, एनालाइज करते रहता है जो। उसके बाद माधव सर है, माधव सर का भी जो है वीडियो ऑडियो देख करके बहुत जो है सपोर्ट मिला हमारे टीम को और हमको, जितने भी इस पैनल पे हैं इन सभी का हम लोग के टीम में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा ऑडियो वीडियो के माध्यम से, सारे टीम में जो है लोग एक्साइटेड रहते हैं। उसके बाद विजय पाल सर हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। शिव कुमार सर हैं, इनका भी जब वीडियो सुनते थे तो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। उसके बाद जो है अजय राजपूत सर हैं, फौजी साहब हैं, उसके बाद सत्येंद्र सर हैं, राकेश सर हैं, अजय पंडित सर हैं, अविनाश सर हैं, अविनाश सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने जो है हमको प्लान सिखाया था, होल्डर पकड़ने का तरीका सिखाया था अविनाश सर ने। और उसके बाद संजीव सर हैं, संजीव सर जो है कभी कभी हमको बुक होल्डर वगैरह उपलब्ध करा करके देते थे। सतीश सर हैं, सतीश सर ने जो है हमें एमरल्ड तक फोन पर गाइड करते थे जब भी हम हतोत्साहित हो जाते थे तो। उसके बाद अंजनी सर हैं, अंजनी सर ने जो है हमको जबरदस्ती दिशा ट्रेनिंग ले गए थे गुरुदेव आप लोग के सानिध्य में, और आप लोग के सानिध्य में जब दिशा ट्रेनिंग में हमको जबरदस्ती, मतलब बोले सर जो आपको वहां जाना ही होगा, और हमसे जबरदस्ती पैसा लेकर के भेज दिए, बोले आपको जाना होगा तो ठीक है, नहीं तो पैसा आपका पानी में गया। तो दिशा ट्रेनिंग अगर अंजनी सर जबरदस्ती नहीं ले जाते तो गुरुदेव इस मुकाम पे मैं नहीं होता। दिशा में जाने के बाद ही मेरा संपूर्ण दशा बदला। उसके बाद है अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा और मैं नवज्योति वत्स, समस्तीपुर में ये दो लीडर बहुत तहलका मचाते रहते थे हमेशा जी। मगर अजीत सर को हमेशा सारे अपलाइन का सपोर्ट मिलता था, और हमें जो है हम मतलब कभी कभी क्या होता था ना, पीठ पीछे किसी क्रॉस लाइन के पास जाके कुछ बोल देते थे, वो सीनियर हमको सपोर्ट ही नहीं करता है, सीनियर हमको सपोर्ट ही नहीं करता है, मेरे साथ सीनियर जाता ही नहीं है। तो अजीत सर वगैरह को जाकर के, अंजनी सर वगैरह को क्रॉस टीम जाके कह देता था जो गुरुजी पंडित जी ऐसे ऐसे आपके बारे में बोल रहे थे, तो ही लोग और हमसे खपा हो जाते थे, यार कभी कभी सपोर्ट करते हैं, अब इसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी सबके पास बोलते रहता है। उसके बाद सुमित सर हैं, सुमित सर ने भी मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमको जो है गोल्ड लेवल तक इन्होंने है जो बहुत साथ दिया, साथ में मिलकर के हम लोग काम किए। तो इन सभी अपलाइन का कहीं ना कहीं बेसिक स्टेप पर अगर देखा जाए तो जैसे कंप्यूटर में DCA कंप्लीट हो जाता है तो आदमी कोई भी कोर्स कर सकता है, तो हमारा DCA कंप्लीट करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और बेसिक लेवल पर इन सारे अपलाइन को मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, ये मैं गुरुदेव आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि ये भी पैनल पे अभी दिख रहे हैं गुरुदेव, ये सारे हम हमारे जो है मार्गदर्शक मार्गप्रदर्शक हैं, और आप तो हमारे रोल मॉडल हैं, तो इन सभी के सहयोग की वजह से गुरुदेव आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और मैं सदा मेरा परिवार, मेरा टीम और मेरा वंश खानदान और आने वाला पीढ़ी सभी इन सभी जो है लीडर के ऋणी रहेंगे और आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, यही मैंने सुना था,
जब मैं पहले दिन ट्रेनिंग मीटिंग में गया था तो ये सुना था। तो ये शब्द मेरे को जीवन में किसी ने पहली बार ये स्क्रीन पर मैंने देखा था, जो आपका दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं सोचता था यार महत्वपूर्ण दिन है तो देखते हैं ये प्रोग्राम कैसा है, क्या है, कहाँ है। तब जब मैंने इसको पूरा देखने लगा तो देखते देखते आगे की सारी ट्रेनिंग मीटिंग ली। उस दिन फ्राइडे का ट्रेनिंग हो रहा था, एटेस्टेड ट्रेनिंग। वो एटेस्टेड ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे मन में अपार परिवर्तन आया। मुझे लगता था ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, इसमें ऐसा कुछ होता है नहीं। ये नेटवर्किंग नेटवर्किंग हम जो है आचार्य हैं और हम लोग के सोच व्यवहार के लायक ये सब बिजनेस नहीं है। मगर एटेस्टेड ट्रेनिंग और फ्राइडे ट्रेनिंग जब मैं इस तरह से देखा गुरुदेव, तो मुझे लगा अगर इस तरह से अगर काम किया जाए और इस तरह से अगर टेक्निक के तरह अगर काम किया जाए तो सफल होना बिल्कुल आसान है। हम तो इसको बहुत उल्टे ढंग से ले रहे थे और जी दो चार दस आदमी को हम बोल भी दिए थे तो सबने मना कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा जो जब अपने लोग ही मना कर दिए तो इसमें सफल हम कैसे होंगे। मगर गुरुदेव मुझे ऐसा एहसास हुआ एटेस्टेड ट्रेनिंग देखने के बाद, जो आपने स्लाइड बना रखा है पूरे हिंदुस्तान में आपका बनाया हुआ स्लाइड गुरुदेव, एटेस्टेड ट्रेनिंग लोग लेते हैं या टीम को देते हैं। तो जी मुझे ऐसा लगा जब अगर इस तरह से अगर काम किया जाए गुरुदेव तो हम लोग उस मुकाम पर जरूर पहुंच सकते हैं जहां तक हम जो है पहुंचना चाहते हैं। और उस दिन से हमारी जिंदगी में रियल में गुरुदेव बदलाव आया और आज आपके सामने वो आशीर्वाद के रूप में मिला है गुरुदेव। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी गुरुदेव, तो ये नैनीताल जब मैं गया था पहली बार दिशा ट्रेनिंग में गुरुदेव, तो उस दिन का ये फोटो है। जी ये अमोद में, अमोद रिजॉर्ट का नाम है, तो हाँ वहां पे जब हम गए थे तो समसारा में भी लिए थे और उसके बाद अमोद में भी लिए थे। तो अमोद के वही वृक्ष पकड़ के मैंने फोटो खिंचवाया था। बहुत बढ़िया। तो ये दिशा ट्रेनिंग का पहला दिन का फोटो है। मैं इसी वेश लिबास में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आचार्य करने के बाद मैं इसी दुनिया में जो है बिजी हो गया था गुरुदेव। कभी नहीं सोचा था जो मेरे जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। आचार्य होने के कारण, संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रवक्ता होने के कारण अंदर से ईगो था, घमंड था, जो मेरे बराबर कौन है, हम इतना ज्ञानी है, हमारे पास इतना नॉलेज है, ये नॉर्मल सीनियर तीनियर हमको क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा। तो ये अब समझ में आ रहा है, जो सीनियर के सामने तो हम पसंगे के बराबर भी नहीं थे, मतलब कुछ नहीं थे। मगर जब दिशा ट्रेनिंग लिए उसके बाद जो है अपने आप में अपार परिवर्तन गुरुदेव आया। जी उसके बाद जो व्यक्ति धोती कुर्ता में रहता था गुरुदेव, तो उसका लिबास ऐसा हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वहां से आते ही अपने आप को परिवर्तन के लिए ठान लिया। और हमारे सारे सीनियर थे उनको बराबर हम बोलते थे, सर हमारे टीम में जो है ना लोग जो है कोट ड्रेस नहीं पहनते हैं, इसके लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला पंडित जी जब तक आप अपना भेष नहीं बदलोगे तब तक लोग आपका बात नहीं मानेंगे। वो हमारे सामने बैठ गए और बोले सब लोग अपना अपना नाक पे हाथ रखो। तो और ऐसे वो हाथ रख लिए तो बोले जल्दी रखिए। तो मैंने भी ऐसे रख लिया। बोला आप जो बोलोगे लोग वो नहीं करेंगे, आप जो करोगे लोग वो करेंगे। बहुत बढ़िया। उसी वक्त मेरे को जीवन में भयंकर बदलाव आया। जो बात तो रियल है, हम जो बोलेंगे लोग वो नहीं करेंगे, मगर हम जो है लोगों को जो मतलब करते हुए सिखाएंगे वही लोग करेंगे। जी और उस जी दिन से सिस्टम की हर बातों को फॉलो किया और दिन रात करना शुरू कर दिया। जैसा जैसा मैं करता गया टीम भी जो है वैसा वैसा लोग करते चले गए। बहुत बढ़िया। उसके बाद गुरुदेव मैंने इस बिजनेस की शुरुआत में सबसे पहला कोट पैंट सिलवाया था, रायमंड का कपड़ा लिया था, सॉरी ब्रूंसबिंग का, तो ब्रूंसबिंग वाला जो है कपड़ा सिलवाया था। और धोती कुर्ता के बाद जब पहली बार ऐसा पहन के मैं गोवा में इंडिया टॉपर होके गया था, दो आईडी से टारगेट फाइट करके गया था और मुझे वहां सम्मानित किया गया था गोवा में। पहला बहुत बढ़िया बार और 3 महीने के अंदर ये टारगेट फाइट करके मैं गया था गुरुदेव, दो जी दो आईडी पर 3 महीने के अंदर। जी ट्रिपल आईडी के द्वारा सबसे ज्यादा अगर समस्तीपुर में किसी ने डीडी उठाया था गुरुदेव, तो ट्रिपल आईडी से सबसे ज्यादा मैंने डीडी उठाया था। और दोनों आईडी में हमारे सीनियर जो थे अविनाश सर, उन्होंने बोला टारगेट फाइट करना बिल्कुल आसान है, बशर्ते माइंड में सेट कर लो हमें 3 आईडी से ज्वाइन करवाना है लोगों को।
तीन आईडी से ज्वाइन कराना है तो काम जब एक गुना करोगे तो तीन गुना अपने आप हो जाएगा। बहुत तो आप कई आईडी से टारगेट फाइट कर सकते हैं, एक आईडी तो छोटी मोटी बात है। ये बात दिमाग में समा गया तो जितने भी मैंने लोगों को ज्वाइन कराया तो उसको और उसके परिवार से दो आईडी जरूर लगाता था, जिसके कारण मैं दो आईडी पर टारगेट फाइट करके गोवा गया था। तो वहां पे जो है सभी अपलाइन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था और वहां पे विश्वास हुआ कि टारगेट फाइट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जब मैं दो आईडी पर रेगुलर टारगेट फाइट कर सकता हूँ तो एक आईडी पर तो अगर छुट्टी हो गया कही हो तो मेरा प्रतिष्ठा तो कभी नहीं गिरेगा। तो इसीलिए मैं दम इतना लगाता था जो मैं अपने इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा पता हो गया था जो टीम को अपना सेम कॉपी सेम टीम में करवाना चाहते हो तो टारगेट फाइट करके दिखाना होगा, अपने टीम का रोल मॉडल बनना चाहते हो तो टारगेट फाइट करके दिखाना होगा, और अपने टीम में आप जो बोलो लोग वही बात पत्थर के लकीर के तरह माने तो उसके लिए टारगेट फाइट करके दिखाना होगा, दूसरा कोई बात ही नहीं था। जी, क्योंकि हमारे ऊपर जो है कभी कभी ट्रेनिंग मीटिंग का सीनियर का साया हुआ करता था और हम टीम को हमेशा जो है अपने खुद से लीड करते थे तो हम विजेता हमेशा रहते थे, इसलिए लोग हमको फॉलो किए। अगर विजेता नहीं रहते तो लोग हमको फॉलो नहीं कर पाते और रास्ते में ही हम छूट जाते गुरुदेव। जी जी, इसलिए हम सारे अपलाइन को गुरुदेव आपको ने ऐसा बूट कैंप आयोजन किया है, उस बूट कैंप की वजह से गुरुदेव जो है मैं यहाँ तक इस टारगेट को फाइट करके पहली बार गया। वहां पे जब मुझे उतना सम्मान मिला तो मुझे लगा टारगेट फाइट करने से सभी के बीच में एक शेर वाला इज्जत मिलता है, तो ये काम तो मैं अवश्य करूंगा। ये बूट कैंप जो है गुरुदेव, ये बूट कैंप हमारे जीवन का, गोवा का जो है ट्रेनिंग का सबसे बड़ा प्रभावी ट्रेनिंग रहा। और आपका ये बनाया हुआ मार्ग जो है गुरुदेव, बीच में है जो हम लोग को ये रूल छूट गया था विनर्स ट्रिप हर तीन महीने, तो अब जो है कोशिश करेंगे इस कोविड के बाद जो है इसको चालू करेंगे, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी जी, उसके बाद गुरुदेव इस बिजनेस में सबसे बड़ा रोल जो मैंने महसूस किया है वह रोल है स्मार्ट वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। यही मेरे जिंदगी को बदल के रख दिया। शुरुआती के दौर में क्या होता था गुरुदेव, जो है मैं लेट के सो करके उठने का मेरा आदत था जब मैं गांव में रहता था। तो पिताजी क्या करते थे, तो गांव में तो खटिया वगैरह होता है, खटिया समझते हैं ना, चार पाई वाले होते हैं, उनके जो है रस्सी बांधा रहता है, रस्सी बांधा रहता है उसपे जो है लोग सोते हैं। जी जी, तो गुरुदेव मैं उसपे सोता था और सोने के बाद जो है पिताजी जब देखते थे लेट तक सोया हुआ है तो एक बाल्टी पानी ला करके खटिया पर ऊपर से ही डाल देते थे। तो मैंने खूब सोने के शौकीन हम थे, लेट देर तक सोना, कोई हमको टोक टाक नहीं करे, तो पिताजी जो है हमको तंग करते थे। उसके बाद मैंने क्या किया, जो गुरुदेव मैट्रिक लेवल से अपना जो है पढ़ाई लिखाई में गांव को ही छोड़ दिया। गांव को छोड़ा क्या, पिताजी ने जबरदस्ती घर से निकाल दिया, बोले कम से कम घर भी तो छोड़ दो। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो पिताजी लोग 4 बजे भोरे उठ जाते थे, गाय भैंस को कुट्टी पानी खेत पथारी वगैरह में सबको निकलना होता था सूर्योदय से पहले। तो सोने के चलते जो है मैं घर को त्याग दिया, पिताजी जी घर से निकाल दिए, मगर बाद में एहसास हुआ संसार के किसी कोना में चले जाओ जब तक सूर्योदय से पहले नहीं निकलोगे तब तक तेरा उदय हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। तो उस समय तो पिताजी मारते डांटते थे तो गुरुदेव बहुत तकलीफ होता था, जो पता नहीं भगवान ऐसा चंडाल बाप हमको क्यों दे दिए। मगर आज उनके मार्गदर्शन का बहुत याद रहा, जो डांटते थे तो मेरे जिंदगी के लिए बहुत निर्णायक रहा करता था। और सेफ शॉप में जब आए तो यहाँ पे आप लोग के द्वारा जब ट्रेनिंग लिए तो आप लोगों ने जब बताया कि सूर्योदय से पहले निकलो फील्ड में, और वो करना मैंने गुरुदेव शुरू कर दिया। और वो जब करना शुरू कर दिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुदेव, जो सूर्योदय से पहले निकलता था फील्ड में तो काला चश्मा में लेके चलता था, क्योंकि मैं सोने का बड़ा शौकीन था। तो मैं जब भी कोई डाउनलाइन मेरे टीम में काम करता था तो उसको मैं पहले बोल देता था, देखो भाई मैं आज आपका पहला दिन प्लान में जा रहा हूँ पर 11वां प्लान आपको ही देना पड़ेगा, चाहे आप काम करो तो भी या नहीं तो छोड़ दो तो भी, क्योंकि आप करोगे खुद के लिए तभी आप बड़ा काम कर सकते हो। अपलाइन की वजह से हमारे महागुरु लोग कहते हैं कि तुम 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 तक अपलाइन की वजह से कमा सकते हो, मगर तुमको 8,00,000 महीना कमाना है तो खुद की वजह से कमाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं बोलता था मैं आपको ये प्लान कर रहा हूँ, मगर 11वां प्लान आपको
खुद करना पड़ेगा। और ये मेरा कमिटमेंट रहता था गुरुदेव, मैं किसी का 10वां प्लान के बाद 11वां नहीं करता था। और जो ही उसका होता था 2, 3, 4 तो सोचता था अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी। तो वो जो एकदम बेचैन रहता था, पूछते भी रहता था, सर यहाँ पे जो बोले थे वो हमको थोड़ा डायरी में लिखवा दीजिए। हमें ठीक है लिख लो। 11वां प्लान जो है हम चालू अगला से कर देते थे, मॉर्निंग सूर्योदय से पहले निकलना। मगर होता क्या था, जो बैचलर रहते थे तो बैचलर को आप समझते ही हैं, हर शेड्यूल लेट हो ही जाता है, घर से निकलने में सब कुछ अकेला करना पड़ता है, रूम का साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, नहाना, सब कुछ। तो आप ही लोग के ट्रेनिंग में मैंने गुरुदेव सीखा था, जो मॉर्निंग में जो है चना मूंग को रात में ही फूलने के लिए रख देना है, सुबह में हल्का नमक छिट करके और खा के निकल जाना है। तो यही मैं करता था, और रात में चना मूंग फूलने के लिए रख देता था और सुबह खा के निकल जाता था। कभी कभी क्या होता था, जो अगर खाना का लेट हो जाता था रात में, दोपहर में मैंने कभी गुरुदेव डायमंड जब तक नहीं बना गुरुदेव, दोपहर में मैं रूम पर कभी नहीं आया। मॉर्निंग सूर्योदय से पहले जो निकला तो रूम पे नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जेब में अगर 20 रुपया होता था और टीम में 2-3 जूनियर साथ में रहता था, तो मेरा एक कमिटमेंट रहता था जो जूनियर को अपने पैसा से कुछ नाश्ता पानी कराएंगे तभी तो मेरे ऋणी रहेंगे, तभी तो लोग वो हमको फॉलो करेंगे। अगर उनका हम खाने लगेंगे, उनके साथ जो है उन्हीं का मतलब हम ऋणी हो जाएंगे, तो वो मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो जितना ही पैसा मेरे जेब में रहता था उस हिसाब से नाश्ता पानी कराते थे दोपहर में, हम अपने भी करते थे। मगर दोपहर में कभी रूम पर गुरुदेव नहीं आते थे, क्योंकि कभी कभी जब रूम पर आ जाते थे तो 2-3 घंटा जाने में और 2-3 घंटा रूम पर आने में, ये मेरा फालतू में बर्बाद होता था। तो दोपहर में किसी न किसी के यहाँ बैठ करके किसी को सिखाने का काम करता था गुरुदेव। बहुत बढ़िया। और उसी की वजह से गुरुदेव जो है ये टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया। और मुझे एक बार याद आया गुरुदेव, उस प्रोग्राम में आप भी थे, शुभगान जी का डायमंड शिप हुआ था उसमें आप भी थे, हाँ, आगरा में। जो एमआर थे और समस्तीपुर से। तो उसमें मैंने हमारा एमराल्ड का रिकॉग्निशन हुआ था 2017 के लास्ट, 2017 के लास्ट नहीं, वही बीच ईयर के बीच में ही थे। तो जो है उनके द्वारा जो है एमराल्ड का रिकॉग्निशन मेरा हुआ था, और कल होकर के आप लोग का जो है एक जश्न था प्रोग्राम, तो जश्न को मैंने अटेंड किया था। और वहां से मेरे अंदर एक जोश आया, क्योंकि उस प्रोग्राम में एक एक चीज मुझे देखने का मौका मिला, जो जो व्यक्ति के द्वारा उस प्रोग्राम से एक 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 प्रोग्राम पहले अजीत कुमार झा जी का जब डायमंड शिप था गुरुदेव, तो उसमें जब मैं गया था तो मेरा टोपाज का रिकॉग्निशन हुआ था। और हमारे सुमित सर जो थे उनके उस हैंड वाले व्यक्ति का एमरल्ड का रिकॉग्निशन हुआ था। मगर मैं माइंड बना के गया था जो उसका भी टोपाज का होगा और मेरा भी टोपाज का होगा। मगर जब मैं वहां पे गया तो मेरे को लगा जो गुरुदेव वो तो एमरल्ड बन गया और साला मैं तो टोपाज ही रह गया, हम तो अपलाइन के इनकम एंड में आ गए। अब एक बाप का औलाद होंगे तो एक तो कोई अपलाइन जो है यहाँ कम कम आते हैं, कम समय देते हैं, और सबके लिए मुझे अकेला काम करना पड़ता है। तो अब अगर मेरे में दम होगा तो हम अब पावर हैंड बन के दिखाएंगे। ये गलत मेरा डिसीजन था या सही था ये तो मुझे पता नहीं था, अंदर से एक आग लग गया। जो अब वो बंदा जो एमरल्ड है और हम टोपाज हैं, उसको तो क्रॉस करना है। और आज परमपिता परमेश्वर का कृपा है गुरुदेव, आज वो बंदा रूबी है और हम वीनस हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो करने का मौका मिला, तो ये अंदर की आवाज और कॉन्फिडेंस और आत्मबल, ये जो था ना, ये अंदर से हमेशा जो है आग लगते रहता था। हमेशा कंपटीटर को मैं ढूंढता था, एक पोस्ट ऊपर का, एक पोस्ट ऊपर का कंपटीटर का हमेशा ढूंढता था। जब भी उसको क्रॉस करता था तो कोई और फिर ढूंढता था, मेरे बराबर में दमदार कोई और एक पोस्ट ऊपर वाला कौन है, हमेशा ये मैं टारगेट रखा। और उसको इस वर्ष में क्रॉस करना है, और उस वर्ष में उसको मैं क्रॉस करता चला गया गुरुदेव। और समस्तीपुर में जो हमसे पहले कई डायमंड डायमंड बने, उन कईयों को क्रॉस करके आज मेरे यू के नीचे गुरुदेव 6 डायमंड कंप्लीट हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस काम को करते करते गुरुदेव जो है इस समय का बहुत बड़ा इसमें मेच्योर है। कभी कभी क्या होता है, जो कुछ लोग सोशल मीडिया ऑन कर लेते हैं, मैं टोपाज लेवल पर फेसबुक ऑन किया था, तो फेसबुक ऑन किया था। मगर रामाडा में मैं जब आपका गया था ट्रेनिंग लेने के लिए गुरुदेव, रामाडा 5-स्टार होटल है जेपी पैलेस से आगे, तो
तो उसमें आपका ट्रेनिंग था गुरुदेव, तो उसमें मैं जब सुना था आपने बोला था अपने मुंह से, जो जो आदमी फेसबुक यूज करेगा वो एक दो साल और उसको ज्यादा समय लगेगा डायमंड बनने में, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया वगैरह नहीं यूज करेगा एक दो साल पहले डायमंड बनेगा। जी, वो बात मेरे मन में सेट हो गया था और मैं उसी दिन आया, जितने भी सोशल मीडिया साइट था मेरा, ट्विटर वगैरह था और फेसबुक था, मैंने सबको अनइंस्टॉल कर दिया और पासबुक को, पासवर्ड को डायरी में नोट कर दिया, तो बोला अब डायमंड बनेंगे तभी सबको खोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर कभी कभी चुरा के खोल लेते थे एक दिन के लिए दो तीन महीने पर, अब फिर उसको डर के मारे फिर बंद कर देते थे, जो कहीं हमको वो तबाह ना कर दे, गुरुदेव बोले हुए हैं वहाँ जो सोशल मीडिया जो यूज करेगा वो एक दो साल ज्यादा देरी से डायमंड बनेगा, जी जी, अपलाइन को फॉलो करेगा वो जल्दी डायमंड बनेगा। जी जी, तो वहां से मैं आया गुरुदेव और मैं पता लगाया, और हमारा टारगेट हमेशा रहता था जिस डायमंड को हमको क्रॉस करना है, जिससे पहले हमको अगला पोस्ट पे जाना है, जिसको मैंने कंपटीटर बनाया है, वो कितना घंटा काम करता है। तो मैं पता लगाया युवा व्यक्ति 10 बजे से शाम 4-5-6 बजे तक काम करता है सेफ शॉप में, और भी दोपहर में नाश्ता पानी करने के लिए चला जाता है। तो मैंने टारगेट किया जो उस आदमी से, अगर डबल काम करेंगे हम, डबल वक्त अगर फील्ड में देंगे तो ऑटोमेटिक है जो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और यही टारगेट लेकर के गुरुदेव मैंने काम किया, और जब भी किसी को कंपटीटर बनाया तो उससे दुगुना और तीन गुना समय नेटवर्क में दिया, उससे ज्यादा एक्टिविटी करवाया, पता लगा लेता था किसी न किसी के माध्यम से उसके पेयर में कितना आदमी जा रहा है, उसके पेयर से कम जब डबल आदमी हम ले जाएंगे तो उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। और इसी की वजह से दिशा ट्रेनिंग हो, डायमंड शिप हो, फंक्शन हो, कोर ट्रेनिंग हो, कहीं भी पोस्ट लेवल पर जितना मेरा टीम साइज होता था उतना माँ बाप पति पत्नी भाइयों बहन लेकर के बैठा के उतना का भी स्कोर पूरा कर लेते थे। कम से कम सर को जितना वादा किए हैं जो डबल सर अगला से जरूर बैठाएंगे तो कमिटमेंट पूरा करते थे। लास्ट में ऐसा हुआ जो दिशा ट्रेनिंग में या आप वो जो भी कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें हमारा डिमांड हमेशा टिकट का ज्यादा होता था, और बाद में टिकट का कोटा हो गया जो आपको बढ़िया से पता होगा गुरुदेव जी। तो कोटा के कारण जो है थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, तो उस समय थोड़ा सा तो आप लोग का फिर सहारा आशीर्वाद मिला, फिर वहां से आगे बढ़े। तो समय को मैनेज करना इस बिजनेस की सबसे खास खूबी है गुरुदेव, अगर जो समय को मैनेज नहीं करेगा तो उसके लिए, क्योंकि हम आप जब सामने होंगे तभी तो उस पे चांक दे सकते हैं, मगर मेन जो आदमी का खुद का चांक है वो अकेले में होना चाहिए। पैनल पे तो सब ताली बजा लेते हैं, पैनल पे तो सब जोश दिखाते हैं, मतलब हम ये कर देंगे महागुरु जी, ये वो महागुरु जी, ये वो, पर अकेले में अपने आप के साथ क्या रोल है? सिंगल रूम में वो आदमी टाइम पास करता है, या सिंगल रूम में जो है कोई बुक पढ़ता है, सिंगल रूम में या कोई डायमंड का वीडियो देखता है, ये इस बिजनेस का गुरुदेव मैंने फील किया बहुत बड़ा रोल है। अकेले में आप क्या करते हो जी। जब आपको ना कोई टोकने वाला है, ना रोकने वाला है, ना बोलने वाला है, उस पॉइंट में आप क्या करते हो? तो दिखावा का काम मैंने गुरुदेव कभी नहीं किया, यूट्यूब पे मेरा कोई स्पीच आपको नहीं मिलेगा जी जी। मैं कभी सोशल मीडिया की सिर्फ एक फेसबुक चलाते रहा, जब भी कहीं कोई प्रोग्राम में गया तो मुझे जितना बुझने समझने आता था, सोशल मीडिया का नॉलेज ज्ञान नहीं था, सोचता था कि आज मोबाइल एक बार हमको हैंग हो गया था, सब फोटो तो डिलीट हो गया, तो सोचे जो फेसबुक पे ही सब डाल दिया करेंगे, जो कभी चेनासी और यादगार के रूप में उसमें से सेव करके कोई काम कर लेंगे जी। मतलब फोटो को सेव और स्टोर करने के मतलब कारण से हम फेसबुक पर कोई भी चीज डाल दिया करते थे, जो भाई हमारा स्टोर बचा तो रहेगा कम से कम, मोबाइल का कोई ठॉट ठीक नहीं कखनी हेरा जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होता है, ये लैपटॉप वगैरह का भी मैकबुक लैपटॉप में चला रहा हूँ गुरुदेव, ये हमको चलाने नहीं आता था, कोई लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हमको चलाने नहीं आता था, पर आपने रात में हमको बोल दिया बस स्क्रीन पे वो आएगा उसको क्लिक कर लेना हो जाएगा। हमारे अंदर में एक आवाज रहता है गुरुदेव, जो नहीं भी करने आता है और एक बार गुरुदेव से पूछ लिया है तो मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे ही हम आए और सर ने जो है संजय यादव जी ने जो है स्लाइड खोल रखे थे, तो मैंने क्या किया उसको क्लिक करके देखा तो हो गया तो समझ गया जो गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है।
बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे ही बस टच कर करके गुरुदेव मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और सब तो जो है कॉन्फिडेंस आपका है उसमें तो मानना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट वही गुरुदेव, मैंने अकेलापन, मैं जब अकेले भी रहता था ना, मैं दिखावा गुरुदेव कभी नहीं किया। कुछ लोगों को मैं टीम में देखता था समस्तीपुर में, जो 90% लोग दिखावा रोल करते थे अपलाइन का, जैसे दिखावा रोल अपलाइन के सामने में इतना चमचागिरी किए जो अपलाइन के नजर में वही सबसे बेस्ट है। और हम थोड़ा आचार्य थे तो हम जो है पैर उठ छू के किसी को प्रणाम नहीं करते थे एरोगेंस रहता था। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि ईगो होता है, अगर दरिद्र ब्राह्मण भी होगा, विप्र ब्राह्मण भी होगा, तो ईगो से फटता रहता है। कारण जो पूरा जजमान का हमरे है, तब जजमान बड़ा बड़ा आदमी मेरा जजमान है, इस ईगो वाला आदमी इसमें आया हुआ था। तो हम प्रणाम पाती जो नहीं करते थे ना, तो इसके कारण लोग हमसे कट मारते थे, तो इसके सामने जाने के बाद जो है इज्जत नहीं करता है। और लोग जो थे एकदम लगे भरे रहते थे, मगर मैं दिखावा नहीं करता था, मगर काम के प्रति दीवाना रहता था। और काम में कभी बहाना नहीं किया, और किसी भी डाउनलाइन को रूम पर रहते हुए कभी ये नहीं बोला मैंने गुरुदेव, आज तक के रिकॉर्ड में, जो मैं रूम पे नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो पर्सनल फैमिली में, या मतलब मम्मी पापा या शादी ब्याह श्राद्ध में कहीं अगर बिजी हैं तो वो जो है गुरुदेव मतलब रिस्पॉन्स नहीं लेते, अभी भाई मैं बिजी हूँ, किसी के साथ मीटिंग में। ये रोल मैंने कभी नहीं किया, मेरा पर्सनल फैमिली मेंबर का काम छोड़ देता था, रिलेशन और जर शादी विवाह छोड़ देता था। और कोई डाउनलाइन अगर कॉल कर दिया तो वह कॉल कभी आज तक कैंसिल मैंने नहीं किया गुरुदेव, और झूठ काम के वास्ते नहीं बोला। बहुत बढ़िया। बिजनेस का मैटर है तो स्वाभाविक है, एमआरपी नहीं बोल सकता हूँ, जो सामने रेट है वही बोलूंगा, वो बात ठीक है। मगर मैंने काम के वास्ते कभी भी कोई डाउनलाइन को गुरुदेव जो है मतलब ये नहीं महसूस कराया जो मैं बिजी हूँ, फ्री रहा तो बताया मैं फ्री हूँ। दूसरा चीज गुरुदेव, इस काम को करते करते कभी कभी क्या होता था, जो मतलब नींद खूब आता था, क्योंकि भोरे सवेरे 5 बजे जो निकलते थे और मतलब सुबह उठने का आदत नहीं था, तो नींद आ जाता था। तो मैं काला चश्मा रखता था, तो काला चश्मा रखता था, तो जिसको 11वां बार प्लान देना होता था ना, तो उस दिन बहुत खुशी होता था, आज ये प्लान देगा, और उसको बोल देते थे तुमको हम दे रहे हैं 20 मिनट समय, और 20 मिनट में तुमको प्लान तलान दे करके बातचीत कर लेना, 20 मिनट जब हो जाए तो हमारा शरीर हिला देना। तो उसी जिसके यहाँ जाते थे उसी के यहाँ बैठ जाते थे चश्मा लगा के, और मेरा नींद मतलब 20 मिनट में भी नींद ले लेते थे अपना चश्मा लगा करके, और हम अपना सो जाते थे। अगला समझता था भाई हमको तो देख ही रहा है वो, और उसको बोलते थे 20 मिनट के बाद हमको हल्का शरीर छू देना, शरीर छूता था ना, हो गया हो गया, फिर चश्मा हटाते थे, हाँ बताओ कैसे, और बताओ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, और बताइए जी आपको क्या समझ में आया क्या। तो जो प्लान दे के रखता था तो उसको मैं फिलअप कर लेता था, मतलब उनकी जो भी समस्या का समाधान होता था वो मैं कर देता था। 11वां बार में अगर कोई प्लान देता था उसका डीडी निकल जाता था, तो वो आदमी को विश्वास हो जाता था, अरे साला हम प्लान दिए डीडी निकल गया तो अब किसी के इंतजार में हम काहे रहेंगे। ये काम मेरा सब दिन रहता था। 100 आदमी को अगर मैं प्लान दिखाता था गुरुदेव, तो 97 आदमी को डीडी जब तक नहीं निकालता था तब तक चैन से नहीं सोता था। यहाँ तक कि 60 बार 70 बार भी फॉलोअप करने का रिकॉर्ड अपना बना रखे हैं गुरुदेव। एक आदमी को मैंने जो है लगभग 80 बार फॉलोअप करके डीडी निकाला, और उसके वजह से आज मेरा एक व्यक्ति इस बिजनेस में डबल डायमंड भी बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत जूनियर, बहुत। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कई बार फॉलोअप किया, फॉलोअप का तो कई का गिनती ही नहीं रहता था। उसका कारण था 11वां बार में मैंने खुद ही डीडी दिया था। बहुत बढ़िया। तो मेरे को समझ में आ गया था जो सीनियर अगर 10वां बार ही डिसीजन ले लेता, जो नवज्योति वत्स इस बिजनेस में डायमंड नहीं बन सकता, ये नहीं ज्वाइन हो सकता है, ये फालतू का आइटम है यार, इसके यहाँ 9 बार गए फिर भी नहीं दिया, 10 बार गए फिर भी नहीं गया, अगर वो 11वां बार नहीं आता तो मैं आज आपके पैनल पे गुरुदेव नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे माइंड में हमेशा सेट रहता था, जो जब तक हमारा एक कमिटमेंट रहता था, और टीम में भी ट्रेनिंग देता था, जो जब तक तुमको अगला व्यक्ति लात मार के नहीं भगा दे, गाली दे के नहीं भगा दे, तब तक उसके यहाँ जाते रहो। बहुत बढ़िया। ये फॉलोअप का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि अपने आदमी है तो ना गाली देंगे ना लात मार के भगाएंगे। सही बात है। ये तो फाइनल ही है।
तो इस कमिटमेंट के साथ फॉलोअप में हमेशा लंबा करता था और समय की बहुत ही ओरिजिनल मैंने महसूस किया और यूज किया गुरुदेव। इस समय की कीमत मैं गुरुदेव बताना चाहता हूँ। 2015 में मैंने इस बिजनेस में आईडी लगाया गुरुदेव, और 2017 के लास्ट में दिसंबर कंप्लीट होते होते मेरे आईडी पर डायमंड लिख दिया था। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और गुरुदेव आगे मात्र 6 महीना के अंदर बताते हुए खुशी हो रहा है गुरुदेव, अगले 6 महीना के अंदर में गुरुदेव मेरे दो जो दूसरे आईडी थे उसपे भी बहुत बायलेंस हो चुका था, क्योंकि मैं रेगुलर दोनों आईडी पर टारगेट फाइट करते जा रहा था। तो अगले 6 महीना में गुरुदेव उस आईडी को भी मैंने डायमंड कंप्लीट कर दिया। बहुत बढ़िया, अपने ही आईडी से डबल डायमंड बन गया। बहुत किसी दूसरे की आईडी की जरूरत नहीं पड़ा। ये समय को महत्व देने की वजह से मैंने अपने जीवन में गुरुदेव इतनी बड़ी बदलाव लाया है। बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं गुरुदेव। जी जी। तो मैंने प्रेयर पे बहुत फोकस किया, क्योंकि दिशा ट्रेनिंग में आप लोगों ने बताया था जो जो लोग प्रेयर अगर प्रति रोज करता है तो उसके असंभव से असंभव कार्य भी पूरे हो जाते हैं। जी जी। और इसका कारण रहा गुरुदेव, जो मैंने हमेशा प्रेयर करता था और प्रेयर जो है लिखता था, और अभी फिर मेरा विजयदशमी आ रहा है तो विजयदशमी के दिन मैं प्रेयर लिखता हूँ और सारे ग्रुप में उसको मैसेज कर देता हूँ, तो सभी लोग रखो और सुबह शाम और दोपहर पढ़ो इसको। सही है। और जो जो लोगों ने हमारे टीम में प्रेयर को फॉलो किया गुरुदेव, आज जिस मुकाम का नाम लिख के प्रेयर किया गुरुदेव, आज उस मुकाम पे है वो। बहुत आप लोग जो कहते थे वो एकदम प्रूफ हो चुका है। बहुत मैं प्रेयर में हमेशा करता था गुरुदेव, प्रेयर में हमेशा लिखता था, हे परमपिता परमेश्वर, हमारा डायरेक्ट सपोज जिस दिन ग्रेवाल सर से हो गया तो हिंदुस्तान लेवल पर मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। गुरुदेव का अगर आशीर्वाद हो गया हिंदुस्तान लेवल पर मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। ये मेरे अंदर में इच्छा जो है गुरुदेव, आज नहीं, मैं जब सिल्वर बना था और आपको आपके अपलाइन जो फॉर्चुनर का चाबी देते हुए जो ऐसे हाथ पकड़ाए थे, उसी दिन मैंने कमिटमेंट किया था जो गुरुदेव जिस जिस मुकाम पे जैसे गए हैं इनके पीछे पीछे पहुंचना है, और एक दिन अगर जहाँ चाह है तो वहां राह है, तो गुरुदेव का आशीर्वाद एक न एक दिन हमको जरूर मिलेगा गुरुदेव। जी। इस प्रेयर की वजह से गुरुदेव आपके तक जो है ईश्वर ने मुझे पहुंचाया है, इसलिए परमपिता परमेश्वर को मैं दिल से लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुदेव। जी वेलकम सर। गुरुदेव दो तरह के लोग अपलाइन को मानते हैं, तो मैंने क्या किया, जो जितने भी हमारे सीनियर थे उनको तो मैंने सीनियर ही माना, मगर आपको एक ब्रह्म के रूप में मैंने देखा है गुरुदेव। कुछ लोग होते हैं फेस टू फेस बड़ाई भी कर देते हैं, जो बड़ाई कर देंगे तो उनके नजर में हम बने रहेंगे, और हमारी अंदर की आवाज है गुरुदेव, परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की सौगंध है गुरुदेव, जो मैंने आपको अंदर आत्मा से गुरु माना है, और आप जो कहेंगे मेरे जीवन में ये जो आप आदेश दे के देख लेंगे गुरुदेव, उस पर मैं नहीं खरा उतरा तो आप उस दिन मेरा ये जांच परीक्षा ले सकते हैं गुरुदेव। तो मैंने अंतर आत्मा से आपको गुरु ही नहीं एक ब्रह्म के रूप में माना है, मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ होता है गु मतलब अंधेरा और रू मतलब प्रकाश। तो हमारे जो जीवन में जो गुरुदेव इतना बड़ा अंधेरा था उसको आपने प्रकाशित किया है, और जो आदमी पहली बार मुझे अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, तो गुरु गुरुदेव हम किसको माने आप ही बताएं, आप ही मार्गदर्शन करें गुरुदेव। मैं अंधेरे में भटक रहा था, मुझे नहीं लग रहा था जो क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से देश में ऐसा हाहाकार हो रखा है, टीम में मेरा ऐसा हाहाकार हो रखा है, और इसे अंधेरे से आपने इतने बड़े उजाले में लेके आया, इसलिए गुरुदेव आपका सदा आभारी रहेंगे, आपके सदा आपके शरण नतमस्तक रहेंगे गुरुदेव। God bless you। उसके बाद गुरुदेव जो है आपका आशीर्वाद मिला हमको और रितिका जी को, तो उस दिन जो है मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि 300 किलोमीटर मैं दूर था जिस दिन आप रात में हमको गुरुदेव कॉल किए थे। जी। तो 300 किलोमीटर मैं दूर था और आपने कॉल किया, तो मैं फॉर्चुनर से डायरेक्ट 300 किलोमीटर का मॉर्निंग में सफर करके गुरुदेव आपके पास में पहुंच गया था, रात भर मुझे नींद ही नहीं हुआ था। जी जी। आज भी रात में जो है रात में लगभग मैं गुरुदेव 4:15 बजे सोया हूँ, 4:15 बजे सोया हूँ और 5:30 बजे जो है उठ गया हूँ,
जी पौने चार बजे इसलिए सोया क्योंकि भर रात यही सोचते रहा जो गुरुदेव सामने आएंगे तो हम बोलेंगे क्या, हमारी तो औकात ही नहीं है गुरुदेव के सामने कुछ बोलने का, क्योंकि उनके सामने तो हम फंसने के बराबर भी नहीं है। नहीं, अब हम क्या बोलेंगे, कहीं हेजिटेशन हुआ तब क्या होगा। फिर जय गुरुदेव, ईश्वर को प्रार्थना करते हुए, आपकी ध्यान प्रार्थना करते हुए अंदर ही अंदर सो गए, और पौने चार बज रहा था सामने जब मैं घड़ी देखा था, और लास्ट में जो है 5:30 में जो है मैं उठ गया जी। और उठ गया उसके बाद फ्रेश होकर के रेडी होकर के आप ही के इंतजार में लगे हुए थे, लैपटॉप में सब लगा हुआ के सेट करके बैठे हुए थे, गुरुदेव दर्शन देंगे, गुरुदेव के दर्शन के प्यासे थे। अब जब सामने आए तो मैं खुशी तो बता ही नहीं सकता हूँ गुरुदेव। तो आपका आशीर्वाद मिलने के दिन से मेरे अंदर जो आत्मबल और कॉन्फिडेंस जो बढ़ा गुरुदेव, जो उस दिन जो आपने मुझे सम्मानित किया, मेरे जीवन में पहली बार आपके हाथ के द्वारा इतना बड़ा सम्मान मिला, इस सम्मान को मैं आज भी इस फोटो को सुरक्षित रखता हूँ, और एक बार इस फोटो के साथ देखता हूँ तो बोलता यही हूँ गुरुदेव, जो गुरुदेव मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। उसके बाद गुरुदेव, इस बिजनेस की वजह से मैंने 5-स्टार होटल वगैरह नहीं जानता था, जिस वंश खानदान से मैं बिलोंग करता था, जिस गांव का व्यक्ति था मैं, वहां पर यही समझता था कि सस्ता होटल कौन होता है। सस्ता होटल गुरुदेव कौन होता है, ऐसे परिवार से हम बिलोंग करते थे जो बउआ सस्ता में जाओगे तो पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तभी दुनिया में कुछ कर पाओगे। और आज समझ में आया, जो अगर सपने बड़े हैं तो ईश्वर एक न एक दिन जरूर पूरे करते हैं। तो मुंबई ताज होटल का नाम हमेशा सुनता था गुरुदेव जी, जी जो अपने इंडिया का सबसे लग्जरी और सबसे महंगा होटल है, मुझे उसमें एक दिन जाना है जी, जी। और परमपिता परमेश्वर का कृपा हुआ गुरुदेव, जो 2019 में मेरी शादी हुई और मैडम के साथ में हनीमून मनाने के लिए मुंबई ताज होटल में गया, और बड़ी शानदार नजारा रहा गुरुदेव। बहुत बढ़िया, वंडरफुल जी गुरुदेव। उसके बाद मैं गोवा भी गया घूमने के लिए, कलकत्ता भी गया, और 6 बार फ्लाइट से चढ़ा और 6 बार फ्लाइट से उतरा, और उसी में मैं उसी समय जो है हम वहां गए थे आशीर्वाद में, आशीर्वाद प्रोग्राम को अटेंड करके जब हम आए थे तो जो है गए थे, उसके बाद रामाडा में गए थे आपके साथ, यहाँ भी और बैंकॉक में भी, बैंकॉक भी गए थे तो रामाडा में गए थे, और आगरा में भी रामाडा में गए थे। रेडिसन ब्लू का भी जो है आपके द्वारा एक ट्रेनिंग हुआ था गुरुदेव, जिसे रेडिसन ब्लू के प्रोग्राम में भी हम गए थे। तो जो 5-स्टार होटल सब इंडिया के टॉप से टॉप है, और कई 5-स्टार होटल है, स्क्रीन पे शेयर पे जगह नहीं है इसलिए बस नॉर्मल 2-3 का नाम दिखाया गुरुदेव, जो लोगों का एक सपना होता है 5-सितारा होटल गुरुदेव, इसमें जब गया तो अपने आप को एहसास किया जो अमीर और रईस लोग जीते कैसे हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल को कैसे बदलते हैं। तो गुरुदेव ऐसे ऐसे महंगे महंगे 5-स्टार होटल में हमारा वंश और खानदान का औकात नहीं था गुरुदेव जाने का, मगर आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से, SHIPS of SSS की आशीर्वाद की वजह से गुरुदेव आज इस मुकाम तक पहुंचा, जो विश्व की बड़ी से बड़ी होटल में घूमने रहने का मौका मिला। इसके लिए सदा आभारी रहेंगे गुरुदेव, क्योंकि आप लोगों ने सपना को पूरा करवाया गुरुदेव। उसके बाद गुरुदेव मैंने वर्ल्ड टूर जो है 22 बार क्वालिफाई किया है, वर्ल्ड टूर 22 बार क्वालिफाई किया है, उसमें जो है कई बार 3 ID से क्वालिफाई किया है, कई बार 2 ID से भी क्वालिफाई किया है, कई बार 1 ID से भी क्वालिफाई किया है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो अभी तो कोविड है, कोविड के कारण जो है बहुत कंट्री का भी जाना आना बंद है, मगर इतना विश्वास है गुरुदेव जो सारे सपने पूरे करेंगे। और पेरिस भी गए थे गुरुदेव, तो पेरिस आपके साथ थे तो आपका हाथ कंधे पे हमेशा रहता था, तो ऐसा लगता था जो मतलब महादेव का हाथ मेरे साथ है और अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं गुरुदेव। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस बना रहता था गुरुदेव। तो वर्ल्ड टूर मैंने क्वालिफाई करके और इस मुकाम को जो बनाया, अभी तो कुछ नहीं है, 22 है, इसको सेंचुरी कंप्लीट करना है गुरुदेव। जी जी जी, सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद मजे आएंगे, अभी तो झांकी है, बहुत देश जाना बाकी है। जी जी जी। उसके बाद हम मैडम गए थे, उसका कुछ नजारा है उस समय का, क्योंकि हर आदमी का एक सपना होता है गुरुदेव, जो मैं पैसा क्यों खूब कमाऊं। जी जी। तो एक एक करके मैंने अपने जिंदगी का सपना पूरा किया है। हम मैडम गए थे मुंबई जब ताज होटल, उसके अंदर का नजारा है, स्विमिंग पूल के पास हम बैठे हुए थे, तो एक मैडम का भी फोटो खींचे थे, एक अपना भी फोटो खींचे थे गुरुदेव। बहुत बढ़िया। उसके बाद ही अंदर में उसका रेस्टोरेंट 5-स्टार जो है मुंबई ताज होटल का गए थे,
इतने रंग के व्यंजन थे गुरुदेव, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कहीं व्यंजन होता है। छप्पन भोग, 56 व्यंजन जो है, मिथिला हमारा ननिहाल है, मिथिला में सुनते थे हमारे नानी घर में जो 56 व्यंजन होता है, हाँ मर देखा नहीं था आंख से गुरुदेव कभी। मर्जी इसमें गया तो 56 व्यंजन से भी ज्यादा व्यंजन था, बहुत बढ़िया। एक एक पीस भी लिया तो सर गुरुदेव जो है मतलब आधे चीज छूट गए। अच्छा, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। ही शानदार नजारा रहा गुरुदेव। अगर सेफ शॉप नहीं होता तो हम मैडम के साथ इस 5-स्टार होटल में हनीमून मनाने के लिए नहीं जाते गुरुदेव। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुदेव, सपना आपने जगाया और आज एक एक करके पूरा कर रहा हूँ गुरुदेव। जी। पेरिस जो है आप लोग के साथ ट्रिप पे गए थे गुरुदेव, उसका एक फोटो है, तो बहुत बढ़िया। उसके बाद गुरुदेव आपका जो है माउंट इटली एंगल वर्ल्ड पे जो है गए थे, जहां पे शाहरुख खान का स्टेचू लगा हुआ था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो हाँ आपने मेरे कांधे पर हाथ दिया था, आपसे पूछा था गुरुदेव जो हाँ है बहुत शानदार मजा आ रहा है, हाँ ठंडा भी लग रहा था बहुत, क्योंकि बर्फ का जो है मार्केट था, बर्फ पे मार्केट में अंदर में हम लोग गए थे, खूब मस्ती किए थे, तो जैन सर भी साथ में थे, आप भी थे। वह जी। फोटो जो है आज जब भी इस फोटो को देखता हूँ तो दोनों तरफ से देखता हूँ जो हमारे महागुरु हमारे साथ हैं, तो इस फोटो को देख देख करके गुरुदेव अपने आप के 100 गुना कॉन्फिडेंस को मैंने बढ़ाया है गुरुदेव। तो बहुत बढ़िया, ये पेरिस के जो ट्रेवल हमने किया था तो फ्लाइट भी बड़ी शानदार था, तो प्लेन में बैठा था तो ऐसा लगा था जितना लग्जरी फ्लाइट होता है, फ्लाइट तो पहले भी चढ़ा था गुरुदेव, इतना हाँ लग्जरी फ्लाइट से जो है पेरिस गया था, और जी आप भी थे बगल में साथ में उसी फ्लाइट में, तो जी 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 बहुत मजा आया गुरुदेव। तो ये सब फोटो बार बार मैं देखता रहता हूँ और अपने जोश को 1000 गुना जो है मतलब ये आपकी एक एक फोटो गुरुदेव हमारे लिए कम से कम जो है 1-1 लाख रुपया का फोटो है गुरुदेव। क्या बात है, 1 लाख रुपया में भी अगर कोई आदमी हमको दे 1 लाख रुपया और बोले इस फोटो को तुम डिलीट कर दो, जी, तो 1 लाख रुपया भी देगा गुरुदेव तो इस फोटो को मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ, क्या मतलब बात, 1 लाख से भी मैगी का क्या बात ये फोटो है गुरुदेव, जिसको देख देख के कॉन्फिडेंस को बुलंद रखता हूँ। जी। उसके बाद गुरुदेव बैंकॉक थाईलैंड पटाया गया था घूमने के लिए, तो वहां का सफारी वर्ल्ड गया था घूमने के लिए, जी। वहां पे मुझे एक चीज बहुत बड़ा परिवर्तन लगा, एक डॉल्फिन मछली इंसान के तरह अगर सब कुछ कर सकता है, वो खेल सकता है, बॉल फेंक सकता है, वो जो है आदमी के साथ लार प्यार में रह सकता है, आदमी जो बोलता है वो कर सकता है, तो हम तो 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि में जन्म लिए हैं, इस संसार का कोई भी काम या तो मैं खुद कर सकता हूँ या जिसमें नहीं सक्षम हूं दूसरे से करवा सकता हूँ, बहुत क्योंकि बढ़िया, ईश्वर मेरे अंदर विराजमान है, तो अब संसार का सब काम मैं कर सकता हूँ, और जो बहुत मैं नहीं हमसे नहीं होगा वो किसी दूसरे से करवा सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया, इस कॉन्फिडेंस को मैंने इस मछली को जब देखा था, डॉल्फिन को सारा आदमी की तरह काम करते हुए, आदमी की तरह डॉल्फिन मछली को बिहेव करते हुए सफारी वर्ल्ड में, तो मैंने अंदर आत्मा से आवाज आया जो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक जीव जंतु आदमी की आवाज समझ सकता है, तो मुझे भी अपने अपलाइन की बात समझना चाहिए और मैं भी अपने जीवन को बदल सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बैंकॉक गए हुए थे तो कुछ लीडर सब थे मेरे टीम के, ये लोग गए हुए थे और आज ये सब लोग जो है रेड क्लब में है गुरुदेव, एक बहुत डबल बढ़िया डायमंड भी है। जी, बहुत बढ़िया, हमारी जिंदगी की शुरुआत जो हुई थी गुरुदेव, तो यही घर से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, अच्छा, और मैं जब जन्म लिया था तो ऐसा ही ये मिट्टी का बना हुआ घर था, और ऊपर से खर होता है फूस, फूस का जो है इसका छत था, उसी में जो है हम लोग पले बढ़े, क्योंकि शुरुआती के समय में गांव के गांव ऐसे ही घर हुआ करते थे, तो जी, ऐसा ही घर मेरा भी था, कभी ये सोचे भी नहीं थे जो महल अंबारी वगैरह भी होता है संसार में। इस घर में जब जन्म लिए थे तो इस घर के पीछे आकर के लकड़ी लकड़ी वाला गिनती वाला खेल खेलते थे, तो छोटे थे मगर वो खेल के कारण याद है जो हम मिट्टी के घर में रहते थे। जी, एक और उसके बाद जब सेफ शॉप में मैंने ज्वाइन हुआ था गुरुदेव, तो मेरा घर ऐसा था, सेफ शॉप में जब मैंने ज्वाइन हुआ था गुरुदेव तो मेरा घर ऐसा था, और उस घर में एक BSA का साइकिल मैंने खरीदा था गुरुदेव, वो भी पिताजी आधा पैसा दिए थे आधा मम्मी पैसा दी थी, क्या एक बात, साइकिल खरीदे थे, और इससे जो है
कॉलेज वगैरह जाते थे, और कॉलेज जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और आचार्य बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए। ग्रेजुएट जो मैंने किया गुरुदेव तो इसी बीएसए के साइकिल से किया, और मतलब मेरे पैर में जूते नहीं थे गुरुदेव। पिताजी बोलते थे जो जूता पहनोगे ना तो आंख का रोशनी कमजोर हो जाएगा, जूता नहीं पहनो, पैर को खुला रखो हवाई चप्पल में, आंख का रोशनी बढ़ेगा। तो हम समझ में आ रहा है गुरुदेव जो वो क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि परिवार की स्थिति ही इतनी फटी हुई थी जो उसको मैनेज करने के लिए नए नए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। और इंटर में मैं पहली बार जो है इंटर के सेकेंड ईयर में मैंने गुरुदेव पहली बार जो है जूता पहना था, वो भी पीटी शू था, और पीटी शू उस समय जो है 120 रुपया में देता था। जी जी। तो जूता जब गया मैं खरीदने के लिए तो नानी घर गए थे, नानी घर हमको जो है गुरुदेव 120 रुपया मिला था। तो सोचे जो अगर ये पैसे का अगर जूता नहीं खरीदेंगे ना तो ये भी पैसा पिताजी खर्चा कर देंगे और बाद में बोलेंगे हवाई चप्पल में चलो आंख की रोशनी बढ़ेगा। अच्छा। तो गुरुदेव जो है मैंने बोला मैं जूता तो खरीदूंगा हर हाल में। मैंने रोने लगा तो पिताजी बोले अच्छा चलो तुमको खरीद ही देते हैं, पैसा है ना नानी जो 300। बोले हाँ पैसा है पिताजी। तो मैं गया दुकान में, मेरा पैर था 6 नंबर का, दुकानदार ने बोला 5 नंबर का ही भाई अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैंने सोचा ले ये लेता हूँ नहीं तो सपना भी पूरा नहीं होगा, 6 नंबर का पैर 5 नंबर का सब फीता सबको ढीला करके कैसे भी घुसा तो लिया। उस समय नहीं हुआ, हम समझे अगर अभी अगर डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे जी नहीं हुआ छोड़ो आओ। मैंने बोला हो गया हो गया। इंटर में पहला दिन ही पहन के गया था सेकंड ईयर में, और वो जूता से हमारा पूरा पैर फूल गया। एग्जाम में हम जूता खोल रहे थे कि मजिस्ट्रेट बोला तू चीट रखा हुआ है जूता में। यार जूता में चीट नहीं है, पैर 6 नंबर का है, जूता 5 नंबर का है, इसको खोल रहा हूँ। तो वो जूता उसी दिन फट गया, सपना पूरा हो गया गुरुदेव। मगर आज जो है दुनिया की सबसे महंगी जूता पहनता हूँ जिसकी दाम जो है गुरुदेव 25,000 से शुरू होता है। बहुत बढ़िया, कई जूते हैं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो जिंदगी की शुरुआत ही बीएसए की साइकिल से शुरुआत हुआ गुरुदेव, ब्रांड फैशनर का नाम तो जानता ही नहीं था जो क्या होता है। उसके बाद यहाँ से जो है मैंने सबसे पहले इस मोटरसाइकिल का आंख देखा गुरुदेव। जी जी जी। सामने बजाज प्लेटिना है और इस गाड़ी का आंख देखा और मैंने सोचा जो मैंने बहुत खुशी हुआ इस गाड़ी को लेने के बाद। मगर फिर जाकर के कुछ ही दिन के बाद लोग हमें बोलने लगे धो इस सब गाड़ी का कोई वैल्यू थोड़े है, बढ़िया गाड़ी होता तब आपको लोग वैल्यू देता। तो कॉलेज लाइफ में ही गुरुदेव मैंने अपाची 180 आरटीआर मैंने खरीदा। अच्छा। और इससे जब घूमता था तो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करता था, मगर तेल डालने के लिए पैसे नहीं होता था, हमेशा रिजर्व रहता था। पिताजी को एक दिन पता चला अरे तू जो गाड़ी खरीदा है इसमें कितना जो है एवरेज देता है। तो मैंने बोला जी एवरेज जो है वही 20-25 का एवरेज देता है। बोले 20-25 का एवरेज देता है तो उससे बढ़िया तू कार काहे नहीं खरीद लिया, क्योंकि आजकल ऑल्टो भी 20-25 का देता है और ये भी देता है तो क्या फायदा इसको लेने से। मैंने ले लिया तो अब क्या करूं। तो इसको चढ़ता था और अपने आप को समझता था जब हम तोप बम फटक रही है गुरुदेव, समझते थे लोग हमें लाइन मारेंगे, ये भी समझते थे कि कॉलेज लाइफ की बात थी तो सब लोग जो है हमको इज्जत करेंगे वैल्यू करेंगे। बात भी होता था, इज्जत लोग देते भी थे हमारे गाड़ी पर चढ़ने के लिए बैठने के लिए फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि उस समय में जो है किसी पूरे जिला में ये गाड़ी किसी के पास नहीं था, मैंने पटना से खरीद के लाया था गुरुदेव। अच्छा, वेरी गुड। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस समझता था, मगर मुझे आज समझ में आया जो सारा नकली इज्जत था, लोग इस पर चढ़ने बैठने घूमने के लिए हमको इज्जत करते थे, हमारी ओरिजिनल इज्जत नहीं थी। उसके बाद गुरुदेव यहाँ से जब पिताजी माइंड में डाल दिए थे जो इससे बढ़िया तुम ऑल्टो ले लेता, तो कहा जाता है जो चीज अगर आपको कोई अगर इमेजिंग करके दिमाग में डाल देना तो सेट हो जाता है। जी जी। उन्होंने ऑल्टो दिमाग में डाल दी और मैंने सिल्वर कलर का गुरुदेव ऑल्टो खरीदा। और ऑल्टो जब खरीदा तो एक तो वो रिजर्व रहता था, उसमें तेल के पैसे नहीं होते थे, और ये भी रिजर्व रहता था और ये फाइनेंस पर था तो इसको सधाने के लिए मार पड़ी रहती थी, अब इसको पैसा कहाँ से लाएं। हमेशा दिमाग में चलते रहता जो कुछ ना करना है कुछ ना कुछ करना है। और उस समय जो है जब हम ऑल्टो खरीदे थे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हम आचार्य करके आए थे, तो मेरे मन में हमेशा होता था कि पैसा कहीं से अगर नहीं हुआ तो इसको किस्ती हम कहाँ से भरेंगे।
और इसी बीच में गुरुदेव जो है हमें सेफ शॉप मिला था। बहुत बढ़िया। और सेफ शॉप जब मिला गुरुदेव, तो उसके बाद मैंने शुरुआत की और इस बिजनेस से सफल होते होते मैं शुरू में सबसे पहले इस साइड वाला जो घड़ी है उसको मैंने पहले खरीदा, उसके बाद वाला घड़ी खरीदा, उसके बाद वाला घड़ी खरीदा, उसके बाद मैंने इस बिजनेस की वजह से इस राडो को खरीदा। और इस बिजनेस से पहले गुरुदेव मैं 20 रुपया का घड़ी रखता था जो भुकभुकिया वाला होता था, वो भी साला बारिश में पानी अगर जिस दिन पड़ जाता था कॉलेज से आने वक्त तो वो खराब हो जाता था गुरुदेव। जी जी तो एक समय में वो घड़ी जो था 20 रुपया वाला गुरुदेव वो भी समय बताता था और ये भी समय बताता है, मगर अंतर इतना ही था वो समय बताता था और ये आज मेरा वक्त बताता है गुरुदेव। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बस ये अंतर सिर्फ जो है गुरुदेव हो गया। बहुत बढ़िया। और राडो कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, मगर आज जब इस ब्रांड को मैंने देखा गुरुदेव तो ऐसा लगता है जब हाथ में पहनते हैं तो इसमें जो है 8 हीरे लगे हुए हैं गुरुदेव, क्या बात है, और सोना और सेरेमिक से बना हुआ है और महंगी घड़ी है जो मैंने कभी नहीं सोचा था उसको पहनता हूँ गुरुदेव। दुनिया की टॉप से टॉप ब्रांड फैशन को यूज करता हूँ। उसके बाद इस बिजनेस की वजह से गुरुदेव मैंने दुनिया का सबसे महंगा पेन खरीदा, माउंट ब्लैंक का, बहुत बढ़िया, जो 1.25 लाख का पेन है गुरुदेव जो आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत और बढ़िया। इसको खरीदा क्योंकि मैं संतोष नायर का जब वीडियो सुना था तो उन्होंने बोला था कि ये मेरा 8,000 का पेन है और अगला पेन जो मेरा कांटियर का होगा वो 1 लाख का होगा। बहुत बढ़िया। तो सपना गुरुदेव आपके आशीर्वाद के वजह से पूरा करते जा रहा हूँ, जो जो चीज सपना देखा था वो सब एक एक करके आपके और ईश्वर की वजह से सब पूरा होते जा रहा है गुरुदेव। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। उसके बाद जो है मैं इस बिजनेस की वजह से सबसे पहले जो है दिल्ली में जब लाइन लगा के लोग आईफोन खरीद रहे थे 2017 में गुरुदेव, तो उस समय में जो है मैंने वो लाल कलर का जो केक के सामने आपको फोन दिख रहा होगा उसको मैंने खरीदा था। उस समय में 1.25 लाख का मोबाइल था iPhone 10। ओके। और उसके बाद जो है इस बिजनेस की वजह से फिर जो है iPhone 10 Max Pro मैंने लिया। उसके बाद जो है गुरुदेव मैंने iPhone 8 जो है मैडम से जब मेरी शादी हुई तो मैडम को भी मैंने आईफोन ही गिफ्ट किया खरीद के, और अभी मैं तीसरा आईफोन जो सबसे बड़ा स्क्रीन पर लगा हुआ है गुरुदेव जी, उसको मैंने खरीदा है। बहुत बढ़िया। आपको जब मैं गया था गुरुदेव आपसे मिलने के लिए तो आपको जब मैं देखा था तो उसी दिन मैंने माइंड में कर लिया था गुरुदेव का आशीर्वाद कब मेरे पर हो जाए। जी जी तो ये iPhone 12 Max Pro Plus जो है सबसे अभी विश्व की सबसे महंगी फोन है गुरुदेव, जी उसको जी। मैंने खरीदा है, दुनिया की सबसे महंगी अभी आज के डेट में है गुरुदेव। बहुत बढ़िया, मतलब 17 तारीख के डेट में वर्ल्ड की सबसे महंगी जो है मोबाइल है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। इसको सपना पूरा करने का मौका मिला गुरुदेव। जी जी जी। और उसके बाद मैकबुक जब मोबाइल जब देखने लगे तो आप लोग का कभी कभी फोटो आता था हम लोग के ग्रुप में तो देखते थे सर लोग एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं, तो फिर ड्रीम मैंने मन में बनाया जो मुझे भी वो चीज चाहिए। जी जी। और मगर मन में ये आता था जो भाई मोबाइल तो हमको लगा 1 महीना समझने में, क्योंकि सैमसंग ओप्पो वीवो वगैरह जो है उसका फीचर अलग है और आईफोन का फीचर अलग है, उसका इंग्लिश का मीनिंग भी चेंज है, सॉफ्टवेयर भी चेंज है, चलाने में नहीं जा रहा था। कि एक आदमी से मैंने पूछा भाई मैकबुक एप्पल का लैपटॉप जो होता है उसका फीचर यही लैपटॉप से मिलता जुलता है या उसमें अंतर होता है, बोला नहीं सब कुछ उल्टा होता है। अब और मेरे दिमाग में संकट आ गया, मगर सपना पूरा करने में क्या जाता है। जी जी जी। मगर मैंने खरीद के ले आया और खरीद के ले आने के बाद आज जो है कुछ चीज जो इंग्लिश मीनिंग का जो नहीं समझ पा रहा था तो मैडम को बुला लेता था, मैडम देखो तो इसका स्पेलिंग का मतलब क्या होता है वो बताओ, बागी तो आगे तो हम कर ही लेंगे। तो मैडम से भी कुछ कुछ गाइड हो जाता है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम है और हम संस्कृत मीडियम है, तो दोनों मिला जुला के काम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैडम का हमारे जो है सहयोग में बहुत बड़ा रहता है। तो मैकबुक का लैपटॉप खरीदा, ये भी जो है गुरुदेव विश्व की सबसे महंगी लैपटॉप है। बहुत बढ़िया। और इसको खरीद के अपनी सपना को साकार किया गुरुदेव। वंडरफुल वंडरफुल। और इसमें जितने भी ब्रांड का नाम ले लो गुरुदेव जो आज के डेट में मुकेश अम्बानी अनिल अम्बानी के फैमिली जो कपड़ा पहनते होंगे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के वजह से आपके मार्गदर्शन की वजह से और सेफ शॉप की कृपा की वजह से गुरुदेव विश्व की सबसे महंगी महंगी ब्रांड जिसका नाम कभी नहीं सुना था ये ब्रांड सब आज पूरा घर कपड़ा से भरा हुआ है। सोचने में कई घंटा लग जाता है जो कौन कपड़ा पहनूं,
क्या बात है। तो करता क्या हूँ, जो कपड़ा निकाले रहता हूँ बाहर में दो तीन वही पहनते रहता हूँ, निकालने रखने के लफड़ा के कारण नया कपड़ा निकालने का आलस बना रहता है। तो गुरुदेव इसकी वजह से हुआ। और महंगे महंगे ब्रांड का जो है, रेवन का जो है, पहले जो है जब जिस समय में सिल्वर गोल्ड था तो उस समय जो है वही 200-500 रुपए में जो है रेवन का लिखा हुआ नकली चश्मा मिल जाता था, जो मेला उला में बिकता है, तो वो वाला पहनता था। मगर इस बिजनेस की वजह से जो है मैडम को भी रेवन का सबसे महंगा ब्रांड का दिया खरीद करके, जो लेडीज का रेवन में कुछ और नाम से आता है, और अपने भी उसका यूज करता हूँ। नाइकी का जो सबसे महंगा जूता है गुरुदेव, जब भी अगर वो लंच होता है तो मेरे पास होता है, क्या बात, ये नहीं दिखता हूँ जो मैं मेरे पास कितने पीस हो गए। जी जी मोर चेंज मोर चांस, नो चेंज नो चांस, बहुत परिवर्तन करने में हमेशा आदि रहता हूँ गुरुदेव। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो आप लोग से जो सीखा हूँ गुरुदेव वही करता हूँ। सेफ शॉप में जब मैं आया गुरुदेव, तो मेरा सबसे पहला अचीवमेंट था जो इलेक्ट्रा जो है ये बुलेट मैंने खरीदा, क्योंकि हमारे एक सीनियर थे अजीत झा, बोलते थे गुरुदेव थी पंडित जी, अगर बुलेट स्टीम में अगर खरीद लिया जाए ना तो काम बड़ा हो सकता है, एकदम धक 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 करके चलिएगा ना, तो बिहार में जो है बुलेट वालों को लोग वैल्यू देता है और पुलिसों उसको नहीं रोकता है। क्या बात है। तो मैंने पहला टारगेट सेट किया और बुलेट खरीदा। तो बुलेट जब हम खरीदे, तब हमारे बुलेट खरीदने के बाद ही हमारे सभी अपलाइन ने बुलेट खरीदा, मैंने सबको झगड़ा लगा दिया पहले खरीद करके। क्या बात है। तो बुलेट लाल कलर का खरीदा, और इस बुलेट से जब चलते थे तो हमारे टीम में जो अभी जूनियर सब हैं, जो अभी डायमंड बन चुके हैं, तब वो छूते थे, बोले छूने की चीज नहीं है, बुक कराओगे तब छूने देंगे। क्या बात है। तो बुक कराता था उसी दिन उसको चलवाते थे, तो जो कहता था 6 महीना बाद लूंगा, तो चलाने के बाद जो सुकून मिलता था, बोलता था सर इसी महीना खरीदूंगा। अच्छा, क्या बात है। रवि जी कहते थे जो सर हम तो खलासी हैं, हमको टीम में कोई वैल्यू ही नहीं देता है और बैकग्राउंड मेरा सही नहीं है, हमले बुलेट खरीदो धक 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 होगा लोग वैल्यू देगा। हाँ हाँ सही है। और बुलेट खरीदे, उनके पहले महीने में ही विदेश का क्वालिफाई टारगेट हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये रोल मॉडल बनता रह गया। और गुरुदेव आज के डेट में लगभग मेरे यू के नीचे कम से कम 1000 के आसपास बुलेट और दो चक्के जो है बाइक जो है लोगों ने है, अच्छे अच्छे ब्रांड का और फैशन वाला लोगों ने खरीद रखा है। वंडरफुल। बुलेट तो कंपटीशन हो गया है, कोई भी आदमी सिल्वर स्टार बनेगा और सिल्वर स्टार बन के गोल्ड बनते बनते उसके बुलेट आना तय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो मैंने किया वो टीम में होता जा रहा है, सबके पास धक 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 रहता है। डायमंड का जब शूटिंग कराता हूँ उसमें खाली बुलेट ही बुलेट रहता है गुरुदेव, जी जी जी। तो बड़ा शान का आवाज सुनने का मौका मिलता है। क्या बात। और अब तो इस बुलेट को चढ़ा हुआ गुरुदेव लगभग जो है 2 साल हो गया, 2 साल से बुलेट चढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो है फॉर्चुनर पे जब बैठ गया हूँ तब तो कुछ को छूने का मन ही नहीं करता है। क्या बात है। मगर पहली अचीवमेंट है गुरुदेव, तो अब जो है इस गाड़ी को पिताजी चढ़ते हैं। हाँ जी गुरुदेव। बहुत उसके बाद जो है मैंने गुरुदेव इस बिजनेस की वजह से ये टोयोटा कंपनी का फॉर्चुनर कार खरीदा, जिसका दाम जो है गुरुदेव 44,25,000 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और इसका नंबर है गुरुदेव 0001, VIP नंबर है। अरे वाह। जी गुरुदेव। उसके बाद इस बिजनेस को मैंने जब शुरुआत किया था तो बिजनेस की वजह से जब मैं डायमंड बना था गुरुदेव, तो ये घर मैंने बनाया। बहुत बढ़िया। ये घर बनाया और हमारे जिला के एक तरह से नगर निगम के निगरानी के अंतर्गत ही आता है, मात्र 10 मिनट लगता है जो है मेन रेलवे स्टेशन जाने पर। तो इस घर को मैंने जो है गुरुदेव, जो इसकी घर की पूरी लागत जो है गुरुदेव लगभग 3 करोड़ है। वेरी गुड। और इस 3 करोड़ में जो है मैंने लगभग जो है 2 फ्लोर जो है इसको बनाया और पूरा सपना को साकार किया। और इसके गृह प्रवेश में गुरुदेव, जी जी, इसके गृह प्रवेश में गुरुदेव मैंने जो है 27 गांव में भोज किया, जो अभी तक पूरे बिहार में 27 गांव में भोज करने वाला राजा महाराजा ही हुआ करता था। 27 गांव में भोज किया, सभी जाति धर्म के लोगों को खिलाया। वंडरफुल, वंडरफुल। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया, कुछ लोगों ने सलाह दिया जो छोटे जाति को जब खिलाओगे तो उसका पत्ता कौन उठाएगा। मैंने बोला मैं उठाऊंगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे संगठन सिखाता है जो कोई जाति छोटा और बड़ा नहीं होता है, क्योंकि तो सब तो ब्रह्म का औलाद है और ब्रह्म ने सबको सृष्टि में भेजा है, तो यहाँ जाति धर्म तो है ही नहीं। सही ये तो कार्य व्यवहार के लिए शुरुआती में सत्य सनातन धर्म जो है इसको वंचित किया था।
बहुत बढ़िया हम जिस धंधा में हैं वहां पे कोई जाति धर्म नहीं, हम पत्ता उठाएंगे। जी 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 और जब ये बात हम बोले तो सब लोग को हुआ, चलो अच्छा ठीक है करो। हाँ हाँ, तो सभी जाति धर्म के लोगों को मैंने जो है खिलाया। 2 दिन तक भोज चला था गुरुदेव, सुबह 6 बजे से जो भोज शुरू होता था वो रात तक, और जो है कल सुबह 6 बजे से रात तक, 2 दिन में 12 बरन जो है 37-27 गांव को मैंने भोज किया गुरुदेव। बहुत बढ़िया, और रिकॉर्ड रहा अपने आप में, इतना बड़ा भोज किसी ने आज तक किया ही नहीं था। इतना व्यंजन था गुरुदेव जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत बढ़िया, तो अपने आप को पिताजी को बहुत बड़ा स्वाभिमान हुआ, जो भगवान बेटा दे, लोग को बोलते थे उसी भोज में, भगवान बेटा दे तो ऐसा दे, सबको भगवान ऐसा बेटा दे। बहुत तो आप लोग के ट्रेनिंग में सुनते थे गुरुदेव, जो बाप माँ का ऋण कभी नहीं उतरता है, पर जिस दिन माँ बाप के मुंह से निकल गया जो मैंने किसी सपूत को जन्म दिया है, उस दिन ऋण उतर जाता है। तो गुरुदेव, मैंने अपने मम्मी पापा से और दादा दादी से ये बात निकलवा चुके हैं गुरुदेव लोगों का। वंडरफुल वंडरफुल। तो गुरुदेव ये चीज करने का मौका मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब इस बिजनेस में जब 2 लाख सप्ताह पे चला आया था, जिस समय में रिटेल नहीं आया था गुरुदेव, तो मन में यही आया था जो कितना भी मेहनत करूंगा तो 2 लाख ही आएगा। तो बिल्डिंग उतना बड़ा बन गया है, पिताजी बोलते थे इतना बड़ा घर बना दिए हो जो आधा दिन तो झाड़ू लगाने में ही लग जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे सामने स्कूल लिखा होगा एक ऊपर में। जी जी। तो मैंने क्या किया, एक एडवांटेज हार्वर्ड इंटरनेशनल स्कूल को जो है उसमें चालू करवा दिया। नीचे में पूरा जो है खाली था, मगर जो ही रिटेल आया तो मैंने उस स्कूल को बंद कर दिया और बोला तब तक कोई धंधा नहीं करूंगा जब तक गुरुदेव वाला 1 करोड़ सप्ताह का इनकम नहीं आएगा। तो हमारे कुछ लीडर बोलते थे लगता है गुरुजी जो है सेब सब छोड़ दिए क्या, अब स्कूल शुरू कर दिए हैं। अरे स्कूल शुरू नहीं कर दिए, हमारा सीए बोला जितना टैक्स कटता है कोई एक ऐसा फंड का व्यवस्था करो जो टैक्स का समाधान हो जाए। मगर उस स्कूल की शुरुआत तो मैंने किया गुरुदेव, मगर जो है लॉकडाउन में ही शुरू हुआ, लॉकडाउन में ही मैंने उसको इस्तीफा और बंद खत्म करके कहानी खत्म कर दिया। जी जी जी। तो ईश्वर जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। तो अब तो इतना विश्वास हो गया जो अब 2 लाख सप्ताह पे कंपनी हमारी लिमिट नहीं की है, अब तो विश्व का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कंपनी 1 नंबर पे गुरुदेव सेफ शॉप हो चुका है। ये हमारे गर्व और स्वाभिमान की बात है गुरुदेव। मतलब आप सेफ शॉप के लीडर को कोई नया काम करने से बढ़िया जिस कला के विशेषज्ञ है वह काम को ही महारत हासिल क्यों ना करे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत खुशी मिल रहा है गुरुदेव। ये रात में घर जो है गुरुदेव ऐसा लगता है, अरे वाह, इसमें जो है, इसमें जो है गुरुदेव 30 टन का एक गेट लगा हुआ है। 2 गेट है इसका, एक गेट इधर से है और आधा बिल्डिंग का ही फोटो दिख रहा है आपको गुरुदेव। हाँ, आधा बिल्डिंग उधर है। तो एक गेट जो है 30 टन का है और एक गेट 30 टन का है, मतलब जेल में भी इतना मजबूत घर नहीं बनाया जाता है। क्या बात है। तो कोई आदमी बोलता है तो बोलता है भाई इतना मजबूत घर का है आप बनाए हैं, पिलर से भी जो है वो ऐसे लगता है मेट्रो पुल का पिलर है गुरुदेव। तो लोग बोलते हैं इतना मजबूत काहे बना, भाई डायमंड का घर है तो मजबूत काहे नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें रहें तो अपने आप को सेफ महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव ही नहीं गुरुदेव, जिला का सबसे महंगा मकान है। जिला में इतना बड़ा मकान और इतना महंगा मकान किसी का नहीं है। समस्तीपुर में अविनाश सर, अजीत झा, अंजनी जी आर के टीम का व्यक्ति अगर कोई निगेटिव होता है तो कार में बैठा के लाते हैं, बोलते हैं जो चलो तुमको बताते हैं जो सेफ सब में पैसा आता है कि नहीं। उस घर के पीछे देखो, पीछे जो है उस सेफ शॉप से पहले का घर है, और आगे जो देख रहे हो बना हुआ ये न्यू, ये सेफ शॉप के बाद का है। देखो सेफ शॉप में कितना पावर है, एक किसान का बच्चा ऐसा घर बनाया है जो लोग सोच नहीं सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कोई निगेटिव आदमी अगर मेरा घर देख लेता है ना तो उसी दिन से वो काम छोड़ने का नामे नहीं लेता और डायमंड बनने की तैयारी शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया वंडरफुल। और अभी गुरुदेव इस बिजनेस की वजह से जो है 1 महीना पहले ये 2.5 करोड़ का जो है घर खरीदा हूँ जो पटना में है और पटना की सबसे महंगी इमारत है गुरुदेव। बहुत बढ़िया। तो ये 2.5 करोड़ में अभी पटना में 1 महीना पहले लिया हूँ। मैंने ही नहीं लिया हूँ गुरुदेव, मेरे टीम से एक डबल डायमंड है वो उन्होंने भी इसको परचेज किया है 1.25 करोड़ में गुरुदेव। बहुत बढ़िया। उसके बाद गुरुदेव जब रिटेल की बारी आया तो इनकम लेवल की बात जब हो रही थी तो ये आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से यह ख्वाब और यह सपना, यह ड्रीम जो है पूरा करने का मौका मिला।
और आप लोग का आशीर्वाद नहीं होता तो गुरुदेव यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, जो 21,08,200 ये सब इनकम तो छोटी मोटी इनकम है गुरुदेव। तैयारी तो गुरुदेव चल रहा है आपका, जो ये जो मैं जब से देखा हूँ इस फोटो को बराबर मैं अपने पास रखता हूँ, एकदम सेव रखता हूँ, और जब भी फोटो गैलरी के अंदर चला जाता है तो उसको मैं फिर स्क्रीनशॉट करके ले आता हूँ जी जी और हमेशा इस फोटो को मैं देखते रहता हूँ। और एक ही ड्रीम और ख्वाब है गुरुदेव, एक बाप का औलाद होंगे तो जब तक किसी इनकम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई दूसरा काम करने का नाम नहीं सोचेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो कोई रास्ता ढूंढेंगे, मगर वर्क और काम कभी दूसरा नहीं करेंगे जब तक गुरुदेव आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। अब यह लक्ष्य बना करके गुरुदेव इस काम को कर रहे हैं। जी जी इस बिजनेस से अब जो है सारे सपने तो पूरे हो ही रहे हैं गुरुदेव। अब जी जो है एक सपना है सामने, अब वह सपना है फार्म हाउस। जी जी इस फार्म हाउस को जो है उस घर को कंप्लीट कर ही लिया हूं और इस फार्म हाउस को हमको जो है लेना है गुरुदेव। जी जी इस फार्म हाउस को लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव मैं अपने जीवन का सारा सपना को जो है पूरा कर सकता हूँ गुरुदेव। जी जी बहुत और बहुत उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है गुरुदेव ये रोल्स रॉय की कार है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। जब मैं गुरुदेव फार्म हाउस जब कंप्लीट कर लूंगा तो मैं गुरुदेव इस कार को लेने वाला हूँ। जिस मॉडल और जिस कार की शुरुआत है 5 करोड़ से शुरू होता है गुरुदेव इस मॉडल की शुरुआत। बहुत बढ़िया, तो मैंने इसका सपना पूरा करने की पूरी ठान रखी है, जिसको पूरा होने से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आपका आशीर्वाद गुरुदेव बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मेरा जो है हर आदमी का एक ख्वाब होता है, लास्ट टारगेट, लास्ट आप सबसे लास्ट में किस चीज पे रुकोगे। तो रुकना थकना तो अपने सिस्टम में गुरुदेव मना है, जी जी मगर जब तक ये मेरा सपना पूरा नहीं होगा गुरुदेव तक तक अपने शरीर से प्राण को निकलने तक नहीं देंगे। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में मैंने डाल लिया है। जो मैं अगर अपने पर्सनल जेट में अगर जाऊं तो अपने रेंज रोवर से मैं जाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो है मेरा मेन टारगेट है गुरुदेव, एक एक करके यहाँ तक मुझे पहुंचना है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद तब सोचना है जो अब क्या करना है। फिर आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे गुरुदेव, जी। आपको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे और पीछे पीछे हम लोग जो है पहुंचते जाएंगे गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ख्वाब है और इस फोटो को जो है मैं रेगुलर अपने पास रखता हूँ और इसको इसको जो है मैंने अपने हृदय में अंदर समा दिया है। जी 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 और 24 घंटा ब्रह्म मेरे पास रहते हैं और ब्रह्म मेरे साथ रहते हैं। ईश्वर का अंश मेरे अंदर विराजमान है। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी जी तो यहां तक पहुंचने से भी पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सिर्फ गुरु का साथ बना रहे गुरुदेव, गुरु जिसके साथ है उसको संसार में किसी चीज की कमी नहीं हो सकता गुरुदेव। जी 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 ये सारे मेरे जो है अपनी दुनिया था, अपनी कहानी था गुरुदेव। जी जो आदमी एक फूस का घर में रहता था आज उसकी सोच गुरुदेव आपने कहाँ तक पहुंचा दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आज के सेशन में आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा गुरुदेव। और आपने जो आशीर्वाद दिया है गुरुदेव जुलाई में प्रथम वीक में कुल्लू मनाली का, ये आशीर्वाद सुन के तो मेरे पूरे टीम में भूचाल मच गया है गुरुदेव। सबका रात का नींद खत्म हो गया है। जो गुरुदेव का झलक मेरे सामने आ जाएगा तो फिर तो बाहर ही बाहर हो जाएगा गुरुदेव, क्योंकि आप जो है पूरे हिंदुस्तान के रोल मॉडल हैं गुरुदेव। और आप जहां खड़े हो जाएंगे गुरुदेव रियल में गिनती वहीं से शुरू होगी। ये बात तो तय है गुरुदेव, ये बात तो तय है। चलो बहुत बढ़िया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू नवजोत वस जी, एक बहुत जोरदार तालियां नवजोत जी के लिए। थैंक यू पंडित जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ संजय जी और विश्वास दादा, सरकार दादा, सारे के सारे जोरदार तालियां हो जाएं। और आप स्क्रीन शेयर जो कर रखा है स्टॉप स्क्रीन कर दो पंडित जी, स्टॉप स्क्रीन कर दो, स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयर कर दो, ऊपर रेड बटन होगा एक। अच्छा गुरुदेव हो गया, हाँ।